अशोक गहलोत ने एक भावुक चिट्ठी के जरिए सभी दलों से अपील की है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश में साथ नहीं दे और लोकतंत्र को बचाए। वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने तलख रुख अपनाते हुए कहा कि पायलट खेमे को माफ नहीं करना चाहिए, आलाकमान को व उन्हें पार्टी में फिर से नहीं लेना चाहिए। धारीवाल के सुर से सुर मिलाते हुए कई विधायकों ने कहा है कि पायलट खेमे की प्राथमिक सदस्यता तक कांग्रेस आलाकमान को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन स्वयंशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खत्म है कि सुबह का भोला यदि शाम को घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते। पायलट भी अपनी गलतियों को स्वीकार करके आलाकमान के निर्देश पर पार्टी में वापस आती है तो उनका स्वागत है। दूसरी ओर भाजपा कल तक कह रही थी कि बाराबंदी महागंदी, आज उन्हें बाराबंदी रास आने लगी, तभी अपने विधायकों को गुजरात भेजा है। बगावत की बहस ही कहीं गहलोत भाजपा खेमे में सेंध नहीं लगा दी। इसी आशंका को मद्देनजर रखकर भाजपा ने बाराबंदी की है। भाजपा ये कदम क्यों नहीं उठाएगी? क्योंकि कुदरत का नियम है, जैसे दाओगे वैसे ही काटोगे। भाजपा के कदावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व भाजपाइयों ने गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाते और साफ किया है कि भाजपा में भी आपसी खींचतान जोर पर है। वसुंधरा राजे राजनीति की रग रग से वाकिफ है, वो खूब जानती है कि बिना संख्या बल के आगे बढ़ना अपनी किरकिरी कराना है। ठीक इसके विपरीत बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के 6 विधायकों को लेकर कोर्ट तक पहुंच गई है और कहा कि गहलोत ने जो दगा किया है हमारी पार्टी के बैनर पर हुए और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपनी पार्टी में मिलाकर दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। अब देखना ये है कि 14 अगस्त को जादूगर की जादूगरी चलती है या भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की चाणक्य नीति कारगर होती है, लेकिन वर्तमान हालात देखिए तो एक बात तो आईने की तरह साफ हो जाती है कि गहलोत सरकार फिलहाल संकट में नजर नहीं आती है क्योंकि उसके विधायक लामबंद है।